नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, माइक्रोमैक्स X2050, और इसमें हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि आप अपने कीपैड के माइक्रोमैक्स मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर कर सकते हो। ये देखिए, हमारे यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और बार बार ये हमारे नो सिम या सर्चिंग में ही रहता है, नो नेटवर्क या फिर गोल गोल हमारा राउंडेड आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे माइक्रोमैक्स कीपैड मोबाइल में अगर आ जाती है तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं और हम बहुत ही आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, माइक्रोमैक्स X2050, और इसमें हमारी नो सर्विस आता है, यानी कि हमारी सिम में नेटवर्क नहीं आता। आप बिल्कुल इसको सिम कार्ड को भी चेंज कर लीजिए तो भी नहीं आएगा, बैटरी आपने चेंज कर ली तो भी नहीं आएगा, और आपने सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके देख लिया तो भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। यानी कि आपकी हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, और किस प्रकार से आप इस हार्डवेयर प्रॉब्लम को दूर कर कर अपने माइक्रोमैक्स मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको स्विच ऑफ कर लेना है। हमने डिवाइस को स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद में आपको अपने मोबाइल को ओपन कर लेना है, बैटरी निकाल लेनी है और आपको सिम कार्ड निकाल लेनी है। देखिए, दो सिम कार्ड हमने इसमें लगा रखे हैं, वोडाफोन और एयरटेल का। हम इसको वोडाफोन को निकाल लेते हैं, एयरटेल को भी हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में अब हम इसको ओपन करते हैं। हमें ओपन करने के लिए हमें इसमें एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी स्क्रू हम ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हमें वन बाय वन करके सारे के सारे स्क्रू ओपन कर लेने। देखिए दोस्तों, हमने इसके सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद में अब हमें हमारा इसका बोन को निकाल लेना है। तो हमें नेल्स की सहायता से इसको इस प्रकार से इसके लॉक को अनलॉक करते हुए हमें इस प्रकार से इसको ओपन करना है। और ये हमें हमारा फ्रंट कवर हमारा रिमूव हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। और हमारा ये बोर्ड को भी हमें बाहर निकाल लेना हमारे बोन में से। इस प्रकार से हम टूजर की हेल्प से इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और आप देख पा रहे हैं हमने हमारे मदरबोर्ड को भी बाहर निकाल लिया। और हमारा ये मॉडल है X2050, और नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी इसमें आ रही है। और ये देख पा रहे हैं हमारा बिल्कुल से हमारा नेटवर्क सेक्शन को भी काम करके देख लिया है, लेकिन फिर भी हमें किसी प्रकार का कोई भी नेटवर्क में इसमें कोई भी इजाफा नहीं मिला है। तो हम सबसे पहले तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये हमारा ग्राउंड दिखा रहा है और ये GSM वाला भी हमारा ग्राउंड दिखा रहा है। देखिए, जबकि यहाँ पर हमें ओम्स दिखाना चाहिए, ये भी हमें ग्राउंड दिखा रहा है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि कहाँ से हमारी कनेक्टिविटी टूट रही है इसमें। ये देख पा रहे हैं आपका हमारा जो ये माइक्रोमैक्स का नेटवर्क सेक्शन पे है, ये यहाँ से जाते हुए हमारी यहाँ तक पहुँच रही है इस रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ से होते हुए हमारी इस IMEI नंबर प्लेट के अंदर जा रही है। तो सबसे पहले हमें इस IMEI नंबर की प्लेट को हमें रिमूव करना है। तो हमें ये बिल्कुल से रिमूव कर लेना है। हमें ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इसमें, अदरवाइज़ हमारे कोई प्रिंट्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और बिल्कुल स्लो प्रोसेस से हमें इसको रिमूव करना है। ये देखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई भी खींचातानी हमें नहीं करनी, अदरवाइज़ हमारे प्रिंट्स डैमेज होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है।
तो हमें ये इस प्रकार से बहुत ही केयरफुली काम करना है, और बहुत ही ये मान लीजिए सावधानी पूर्वक हमें ये इस प्रकार से हमारी IMEI नंबर की प्लेट को रिमूव कर लेना है। ये देखिए हमारी IMEI नंबर की प्लेट रिमूव हो गई है और आप देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होगा, ये जो क्रिस्टल आईसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो आपको ये बिल्कुल येलो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये जो क्रिस्टल आईसी है ये हमारी नेटवर्क आईसी है और ये हमारा सीपीयू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्रिस्टल आईसी को हमें रिफ्लो करना है, थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाना है और फिर हमें हमारा नेटवर्क एक बार चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको SMD की सहायता से इस क्रिस्टल आईसी को रिफ्लो करते हैं और उसके बाद में हम चेक करते हैं, और इससे नहीं होता तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या करना है। ये देखिए हम SMD की सहायता से इसको थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल कर कर इसको रिफ्लो करेंगे। और हमें ट्वीज़र से थोड़ा सा हिला देना है इसको अपनी जगह से। ये देख पा रहे हैं हम इस प्रकार से हमने इसको अपनी जगह से हिला दिया क्रिस्टल आईसी को, जो कि हमारे नेटवर्क का काम करती है। ये देखिए, और अब हमने इसको हिला दिया और एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये करने के बाद में आप देख पा रहे हैं, हम आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो क्रिस्टल आईसी है इसको हमने रिफ्लो किया है और हमारी जगह अपनी जगह से इसको थोड़ा सा हिला दिया हमने पेस्ट का इस्तेमाल कर कर। और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे कोई नेटवर्क में हमारा कोई इजाफा हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा दोस्तों, ये हमारे जो नेटवर्क का जो एंटीना वायर होता है, जो ये नेटवर्क सेक्शन होता है, इसको भी हमें थोड़ा सा बिल्कुल इस प्रकार से क्लीन कर लेना है। ये देख पा रहे हैं आप, तो हमें इस प्रकार से थोड़ा सा इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, ताकि हमारे प्रिंट्स टच हो सकें और हमारी कनेक्टिविटी ईजीली मिलती चली जाए। ये देखिए आपको इस प्रकार से ये कनेक्ट कर लेना है, क्लीन करना है। ये देखिए हमने ये लगाया, और अब हम इसमें ये लगा देते हैं हमारा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड लगाने के बाद में हमने ये इसमें फिट कर दिया। अब हम सिम कार्ड एक बार इस्तेमाल करते हैं, ये हमने वोडाफोन का सिम कार्ड लगा दिया। अब हम एयरटेल का सिम कार्ड और लगा देते हैं इसके अंदर। ये हमारा 4G है, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है 4G सिम में लगाने में, क्योंकि हमारे ये तीन पार्ट में डिवाइड रहते हैं और ये पार्ट्स हमारे बार बार खुल जाते हैं। तो ये हम इसको पार्ट्स को मैनेज करते हुए और हमारा सिम कार्ड लगाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। और ये हमने एयरटेल का सिम कार्ड भी लगा दिया, और अब हम इसमें लगाते हैं हमारी बैटरी, और बैटरी लगाने के बाद में स्विच ऑन करते हैं हम हमारे डिवाइस को। ये देखिए हमने स्विच ऑन किया, और चेक करते हैं हमारे नेटवर्क में किसी प्रकार का कोई हमें बेनिफिट्स मिला या नहीं मिला। और हम इसको क्लोज कर देते हैं, और ये हमारा नेटवर्क सर्च में आ रहा है, और आप देख पा रहे हैं हमारा एयरटेल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, और हमारा वोडाफोन का और चेक करते हैं हम। ये देखिए हमारा एयरटेल आ चुका है, और हमारा ये अभी बोन हमारा पूरा पैक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रिंट्स हैं वो नीचे टच नहीं हो पा रहे हैं। और जो क्रिस्टल आईसी का हमारा बिल्कुल हमारा हमें बेनिफिट्स मिला है, सारा का सारा हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हमारा दूर हो चुका है। और हम एक बार कॉल करके चेक करते हैं एयरटेल से, वोडाफोन का भी हमें देख लेते हैं इसमें। और हमने इसको 198 पे कॉल किया, और हमने डायल किया इसको, सिम 1 से हम डायल करते हैं। और ये देखिए, ये देखिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल से बिल्कुल काम कर रहा है, और हमारी ये क्रिस्टल आईसी हमारी हमने रिफ्लो की, जिसकी वजह से ये देखिए हमारे मैसेज भी आने लग गए हैं,
और हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। और बात करते हैं हम सेकंड नेटवर्क की, हमारी वोडाफोन की, तो हम वोडाफोन की सिम को थोड़ा सा हमारा बिल्कुल दोबारा से निकाल के लगाते हैं। और ये देखिए हमारी वोडाफोन की सिम भी हमारी स्कैन कर चुका है, एमरजेंसी कॉल हमारा आ रहा है अभी फ़िलहाल, और हमें थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक हमारा नेटवर्क हमारा स्कैन नहीं कर ले, या फिर आप मैन्युअली जाकर इसको बिल्कुल मैन्युअली स्कैन कर सकते हो। नेटवर्क सेक्शन में जाना होगा आपको सेटिंग में, और बिल्कुल आपको यहाँ से जाकर नेटवर्क कनेक्शन में चले जाना है। और यहाँ पर देखिए वोडाफोन आ चुका है हमारा, और यहाँ पर आपको मैन्युअली सेलेक्ट कर लेना है और सर्च कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा नेटवर्क सर्च हुआ है, तो हमें वोडाफोन हमें सेलेक्ट कर लेना है और हमारा रजिस्टर हमें कर लेना है। अब ये देखिए नेटवर्क सेलेक्टेड हो गया, और अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा वोडाफोन आ चुका है और फुल नेटवर्क आ रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं फुल नेटवर्क आ रहे हैं और हमारा बिल्कुल दोनों ही नेटवर्क हमारे काम कर रहे हैं। अब हम वोडाफोन से डायल करके देखते हैं, 198 पे हम कॉल करते हैं, और हम सिम 2 से हम करेंगे वोडाफोन की से, और वोडाफोन से क्या हमारा काम कर रहा है। ये देखिए हमारा वोडाफोन का नेटवर्क भी काम कर रहा है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे माइक्रो मैक्स हमारा X2050 मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम को दूर किया। ये आप किसी भी माइक्रो मैक्स के कीपैड मोबाइल में ये तरकीब आजमा सकते हो, और वो क्रिस्टल आईसी अगर आपको मिलती है तो बिल्कुल आप उसको रिफ्लो कर आप उसको थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल कर अपनी जगह से हिलाकर आप भी अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।